नमस्कार दोस्तों, जय जोहर। कहानी के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा टंट्या भील ने खंडवा जिले के भुईफल गांव में डाका डाला, जिसमें भुईफल के साहूकार हिम्मत पटेल को सरेआम पीटकर गोली मार दी गई। इस हत्याकांड की तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर इब्राहिम बेग को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया। टंट्या भील का कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर इंस्पेक्टर बेग ने टंट्या के गाँव जाने का फैसला किया और इसीलिए इंस्पेक्टर बेग अपने चार कॉन्स्टेबल के साथ पोखर की ओर रवाना हुआ। कहानी अब आगे। साल 1379, अप्रैल महीने की 26 तारीख। खंडवा सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा इंस्पेक्टर इब्राहिम बेग अपने हवलदार से कहता है, हे कब तक इंतज़ार करूं? अभी आ जाएंगे सर। कुल 11 केस पेंडिंग है, पता है ना तुझे? कम से कम 8 भील चाहिए ताकि उन पर चोरी का झूठा केस डालकर मेरी सर्विस बुक तो मेंटेन करूं। इतने में ही कुछ पुलिस वाले पास आते हैं, जिनको इंस्पेक्टर ने गांव से कुछ लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। वो लोग आ गए क्या? यस सर। बाजूहट और सबको एक एक करके लाइन में भेज। पहला व्यक्ति आता है। कौन जात का है? भीलू साहब। चल वहाँ खड़ा हो जा। बे चलना। फिर दूसरा व्यक्ति आता है। कौन सी जाति का है? क्षत्रिय हूँ साहब। चल घर जा। फिर अगला व्यक्ति आता है। कौन सी बिरादरी का है? भीलू साहब। चोरी का केस है, चल वहाँ खड़ा हो जा। फिर अगला आता है। जात बताओ। सुनार। चल निकल। ऐसा करते हुए इंस्पेक्टर बेग ने जाति पूछकर भीलों को पुलिस रिमांड के लिए थाने भेज दिया। उस समय भीलों को आपराधिक जनजाति माना जाता था, तो अगर आप भील जनजाति से हैं तो अंग्रेज़ आपको क्रिमिनल ही कंसिडर करते थे। इस तरह पुलिस वाले अपने पेंडिंग केसेस की लिपापोती के लिए बेगुनाह भीलों को बकरा बनाकर उन पर एक साथ कई केस ठोक दिया करते थे। ये वही लोग थे जिनकी सूची बनाकर इंस्पेक्टर बेग ने अपने हवलदार को सौंपी थी। इन सब लोगों में एक बात कॉमन थी कि ये सब टंट्या मामा के रिश्तेदार थे। अलग अलग गाँव जाकर पुलिस ने टंट्या के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। उन्हें वे खंडवा ले आए और पुलिस हिरासत में रखा। 26 अप्रैल की शाम करीब 9 बजे इंस्पेक्टर बेग गुस्से में पोखर गांव पहुंचता है और अपने हवलदार को इशारा करता है। हवलदार डंडा लहराता हुआ सामने खटिया पर लेटे एक आदमी को डंडे से मारते हुए कहता है, ओए उठ, टंट्या भील का घर कहाँ है? वहाँ आगे है साहब। इंस्पेक्टर बेग साथ आए चार हवलदारों को घर के चारों ओर तलाशी लेने का कहकर वहाँ एक कच्चे मकान के टट्टीनुमा दरवाजे को लात से तोड़ देता है और घर का सारा सामान लात मारकर इधर उधर बिखेर देता है। लात की टक्कर से घर के बर्तन बिखर जाते हैं, जिससे टंट्या की पत्नी भीकी की नींद खुल जाती है। भीकी अभी उठकर देख ही रही थी कि क्या हुआ और अचानक इंस्पेक्टर बेग चीखा, ए उठ, तेरा मर्द कहाँ है? वो यहाँ नहीं है साहब। बोल देना उसको, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर बेग गांव-गांव जाकर टंट्या भील के सभी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेते हैं और खंडवा लाकर जेल में बंद कर देता है। एक दिन इंस्पेक्टर बेग अपने कुछ हवलदारों से यूं ही गपशप में मशगूल थे। बातों ही बातों में एक हवलदार कहता है, हुजूर हमने सुना है टंट्या भील बड़ा अकलमंद है और चालाक भी, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चालाक कैसे हो सकता है कि वो पुलिस को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में इंस्पेक्टर बेग ने टंट्या को मात देने के लिए खुद ही उनकी तलाशी शुरू कर दी ताकि वो ये साबित कर सके कि एक पुलिस वाला मामूली आदमी से
कहीं ज्यादा अकलमंद होता है। एक गांव में पहुंचकर इंस्पेक्टर बेग ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। इंस्पेक्टर ने उसके पास जाकर कहा, हे इधर आओ। वो आदमी पास आकर हाथ जोड़कर कहता है, जी साहब जी, सुना है टंटा भील बड़ा होशियार है, बताओ कहाँ मिलेगा। एक बार सामने तो आए, फिर बताता हूँ कितना अकलमंद है वो। खेत में काम कर रहे उस आदमी ने अपने गेहूं के भूसे के बड़े से पोटले का गांठ बांधते हुए कहा, बात तो आप ठीक कहते हैं माए बाप, मामा है तो बड़ा चालाक। हुजूर, जान की सलामती हो तो कुछ अर्ज करूं। हाँ बोलो। हमारा टंटिया मामा किसी को भी पल भर में झांसा दे सकता है। अबे चल, मुझे झांसा नहीं दे सकता तेरा ये टंटिया मामा। छोटा मुंह बड़ी बात हुजूर, लेकिन अगर अभी टंटिया मामा आपके सामने आ जाए फिर भी आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो अभी इनको यहाँ बुलवा सकता हूँ मैं। किसान की बातें सुनकर इंस्पेक्टर बेग को हंसी आ जाती है और वह कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो बुलवा ही दो, हम भी तो देखे तुम्हारे डरपोक मामा को जो छुपता फिरता है। ठीक है माए बाप, आप भी देखिएगा टंटे मामा का झांसा, अभी उनको बुलवाए देता हूँ। लेकिन एक विनंती है साहब, पैदल जाऊँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, आप ऐसा कीजिए आपका ये घोड़ा मुझे दे दीजिए, झट से जाता हूँ और मामा को लेकर फट से वापस आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी ले क्या, आज तो देख ही लेता हूँ तेरे डरपोक मामा का झांसा। इतना कहने की देरी थी कि वो आदमी इंस्पेक्टर बेग का घोड़ा लेकर जंगल की ओर चौकड़ी लगाते हुए चला जाता है। इंस्पेक्टर बेग मन ही मन खुश होता है कि आज तो टंटिया का दांव उल्टा पड़ने वाला है, आने तो दो, घसीटते हुए थाने लेकर जाऊँगा और सरकार से मोटा इनाम मिलेगा सो अलग। कुछ समय बीता, इंतज़ार करते करते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन वो आदमी लौटकर नहीं आया। इसी के साथ इंस्पेक्टर बेग को भी यह एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर वो आदमी लौटा क्यों नहीं। फिर क्या था, उसने अपने माथे पर जोर दिया और उस आदमी की बातों पर गौर किया तो आग बबूला होकर अपना सिर पीटने लगा। जी हाँ, आपने ठीक सोचा, खेत में काम कर रहा वो शख्स टंटिया भील ही थे जिन्होंने इंस्पेक्टर बेग को दिन दहाड़े झांसा दे दिया और बेग का घोड़ा लेकर जंगल में कहीं अंतर्ध्यान हो गए। टंटिया मामा को आज तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने देखा तक नहीं था और ना ही कोई उन्हें पहचानता था। इसके उलट ब्रिटिश ऑफिसर्स की पल पल की रिपोर्ट टंटिया मामा के जासूसों के द्वारा उनको दी जाती थी। इंस्पेक्टर बेग की आज बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी और वो इस जिल्लत को लेकर पैदल ही बस्ती की ओर रवाना हो गया। थाने पहुंचकर वो झल्लाया हुआ अपने सभी मुखबिरों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग लेता है। इस सीक्रेट मीटिंग के बड़े मायने हैं जो आपको आगे पता चलेगा। इधर टंटिया मामा बिलखेड़ की गुफा में अपने साथियों के साथ जश्न के मूड में दिख रहे होते हैं। बिजनिया, दोलिया, बोनिया, महादा, रेंगा और सभी साथी जश्न के इस अलाव के चारों ओर झूमते हुए पारंपरिक नृत्य करते हुए खुशी मना रहे थे। अभी सब लोग जश्न के रंग में डूबे ही हुए थे कि तभी अचानक ओंकार दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, मामा, टंटिया मामा। टंटिया मामा अपने हाथ में तलवार लेकर नाच रहे थे। ओंकार की आवाज़ सुनकर वे एकाएक पीछे मुड़े, जिससे धारदार तलवार की धार पर उनका दूसरा हाथ गलती से पड़ गया और वो जख्मी हो गए। ये मंजर देखकर सब लोग एकाएक टंटिया मामा की तरफ दौड़े और उनको देखने लगे। मामा ने सबको हटाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ रे, ओंकार को आने दो पहले। ओंकार हाफते हुए पास आकर कहता है, मामा धोखा, बहुत बड़ा जाल बिछाया है, पुलिस के लोगों को हमारी इस गुफा के बारे में मुखबिरी मिली है, अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है
तो हम पर किसी भी समय हमला हो सकता है। इंस्पेक्टर बेग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। आखिर क्या होगा अब आगे? टंट्या मामा जख्मी है और इंस्पेक्टर बेग पूरी तैयारी में है, और इस बार कोई डबल एजेंट निकला। आखिर बिलखेड़ की इस सुनसान और जंगली खुफिया गुफा के बारे में इंस्पेक्टर बेग को कैसे पता चला? और अगर इस बार टंट्या मामा के भील रिवोल्यूशनरीज और इंस्पेक्टर बेग के ब्रिटिश पुलिस का आमना सामना होता है तो क्या होगा? ये आपको पता चलेगा रॉबिनहुड सीरीज़ के अगले एपिसोड में।